संबंधित आपसे मैं बातें भी करूंगा, पर पहले थोड़ी आपके स्कूल से संबंधित बातें भी कर लूं। स्कूल में मन लगता है पढ़ाई करने में? लगता है, सभी का लगता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, आगे बड़े होकर के आप में से कोई पुलिस वाला बनना चाहता है क्या? सभी पुलिस वाले बनने चाहते हो? चलो बहुत अच्छा है। तो अभी पुलिस बनने में आपको समय लगेगा, अभी आप बड़े छोटे हो, कुछ साल लगेंगे आपको। पुलिस क्या काम करती है ये जानकारी है आपको? अच्छा, आपको बहुत अच्छी जानकारी है बेटा, बड़ा अच्छा लगा। और अगर आप सभी पुलिस में भर्ती होने की इच्छा रखते हो तो हमारे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा कि पुलिस के बारे में आपके बड़े अच्छे विचार हैं। फिर भी मैं बता दूं, पुलिस जितना आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा काम करती है। आप सभी त्योहार मनाते हो, होली मनाते हो, सब आने वाली है, दिवाली मनाते हो, ईद का त्योहार आता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है, क्रिसमस आता है, सभी धर्मों के सभी प्रकार के त्योहार आते हैं जो आप सब मनाते हो। लेकिन पुलिस ये त्योहार नहीं मना पाती। इसलिए नहीं मना पाती क्योंकि हम आपकी सुरक्षा के लिए सचेत रहते हैं। होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, कोई झगड़ा ना हो जाए, कहीं आगजनी नहीं हो जाए, कोई अव्यवस्था नहीं हो जाए, इसलिए हम हमेशा मौजूद रहते हैं आपकी समाज की सेवा के लिए। इसी तरह कोई बड़ा आयोजन होता है, हम मौजूद रहते हैं। कोई अपराध हो जाता है, मौजूद रहते हैं। तो बेटा पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं आपसे जो सड़क सुरक्षा के संबंधित बात है, आप में से कितने लोगों ने कहा था पुलिस बनना चाहते हैं? तो देखो बच्चों, ऐसा है, आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई, आपकी दीदी टू व्हीलर भी लेके जाते होंगे, फोर व्हीलर भी लेके जाते होंगे, जाते हैं? तो आज से आप सबको ये तय करना है कि अपने जो पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेके जाएं तो यातायात नियमों का पालन करें। खास तौर पे टू व्हीलर जब लेके जाते हैं तो वो हेलमेट पहने। आप ये व्यवस्था कर लोगे सुनिश्चित? अगर कर लोगे तो आप सबको पहले पुलिस बनाएंगे हम, कर सकते हो? तो आपको ये तय करना है कि जब आपके घर वाले मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, स्कूटी से बाहर जाएंगे तो हेलमेट पहन के जाएंगे। ये हेलमेट नहीं पहनने की वजह से अपने देश में इतनी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और रोड एक्सीडेंट्स में लॉस ऑफ लाइफ है जिसको हम टाल सकते हैं। तो अगर बच्चों आप सबने तय कर लिया कि बिना हेलमेट के घर से अपने घर वालों को नहीं निकलने दोगे तो अपन ये एक्सीडेंट टाल सकते हैं। और एक एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार में उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती, समाज में कमी पूरी नहीं हो सकती। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप ये सहयोग करोगे मैं वापस आपके स्कूल में आऊँगा, पुलिस में कैसे आप लोग आ सकते हैं, इसमें आपका सहयोग करूँगा। मेरी मदद करोगे आप सब? चलो ठीक है, है ना? तो बच्चों अच्छा है। दूसरी बात आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आजकल जमाना आ गया है कि हर बच्चा जो है इंटरनेट पे, मोबाइल पे खेलना पसंद करता है, ग्राउंड में जाके कोई नहीं खेलता है। आप में से सभी लोग ग्राउंड में जाते हो, एक्टिविटी करते हो, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, दौड़ भागे, कोई एक्टिविटी करते हो? ये रखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है DTO साहब के सौजन्य से, ETV के सौजन्य से बड़ा अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया है। इसको बीच में अधिक समय नहीं लूंगा। आपके कुशल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
गैस बंद हो गया।